अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, अब हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करना है। और चैप्टर 4 में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर 4 के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक लिक्विड और एक गैसेस। पहले हम लिक्विड वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर सॉलिड्स वाला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गैस, लिक्विड या सॉलिड कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, उनको हम कहते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो मोलिक्यूल्स इंटरमीन दरमियान और मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको हम कहते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मोलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलती हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की और एक मोलिक्यूल बनता है HCl का। अब HCl, H और Cl के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अगर हम HCl के दो मोलिक्यूल ले लें तो एक HCl और दूसरे HCl के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डिफरेंट होंगी और वो वीकर होंगी। यहाँ पे देखें HCl, H ग्रीन बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है HCl, H और Cl के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक HCl का मोलिक्यूल और दूसरे HCl के मोलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही है ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो डैश लाइन है ये एक मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब ये जो डैश लाइन वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू डॉटेड लाइन वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब मोलिक्यूल के दरमियान की जो फोर्सेस हैं वो चार तरह की होती हैं। एक सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, उसके बाद नेक्स्ट है आयन डाइपोल फोर्सेस, थर्ड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और चौथी है इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में यही HCl का मोलिक्यूल लेंगे कि अगर HCl की अब दो एंड है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव H पॉजिटिव वाला और एक Cl नेगेटिव, हम इसको एंड को कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मतलब अगर पॉजिटिवली चार्ज, वो ये दोनों पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, तो एक मोलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मोलिक्यूल के नेगेटिव पोल के साथ जब अट्रैक्शन शो करता है उस टाइप की फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये जो डॉटेड लाइन वाली आपको ग्रीन बॉक्स में ये जो डॉटेड लाइन वाली फोर्स नज़र आ रही है, दिस इज़ डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है एज सच कोवलेंट बॉन्ड की नस्बत, और अबाउट इसका 1% जो है वो इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट। मतलब अगर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस 1% है तो कोवलेंट बॉन्ड वो 100% होगा। नेक्स्ट है कि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड जिस पे करती हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये लिखा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और सेकंड है आपका डिस्टेंस बिटवीन द मोलिक्यूल। तो जितना इलेक्ट्रो, ये दोनों डिस्टेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा डाइपोल डाइपोल फोर्स ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्गर नहीं होगी। इसका मतलब है कि डिस्टेंस इन्वर्सली रिलेटेड है स्ट्रेंथ के और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली रिलेटेड है स्ट्रेंथ के। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल CL3 और CHCl3, इसमें भी एक मॉलिक्यूल का एच पॉजिटिव ये एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन जो नेगेटिव एंड है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस तरह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेज इसको कहते हैं। नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। एक और बात यहाँ पे कि डाइपोल डाइपोल फोर्स जो होती है वो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स उसमें एक पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है। एक पोलर होता है और ये जो पोलर के मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं जो साथ उसके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे आपको पिंक बॉक्स में परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसने अट्रैक्ट किया है नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, तो ये सम हाउ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इसमें डिवेलप कर देती है और दोनों एक तरह से डाइपोल्स बन जाते हैं। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब ये है कि एक का डाइपोल दूसरे के डाइपोल को उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंड्यूस कर दे, इस वजह से इसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या इसके साइंटिस्ट का नाम था डेबाय जिसने ये फोर्स जनरेट की थी, तो इस वजह से इसको डेबाय फोर्सेस भी कहते हैं।